नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। दो दशक के बाद भारतीय आईपीओ मार्केट में किसी ऑटोमोबाइल कंपनी का आईपीओ ओपन होने जा रहा है, जो साइज में देश का सबसे बड़ा इश्यू है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोरियाई कंपनी ह्युंडई की, जिसकी भारतीय यूनिट ह्युंडई मोटर्स इंडिया आज से ओपन होने जा रही है। इसके ओपन होने के साथ ही देश के सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC का भी रिकॉर्ड टूट जाएगा, जिसने साल 2022 में 21,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लॉन्च किया था। अगर आपकी जेब में 13,720 रुपए है तो फिर आप भी इस आईपीओ के जरिए ह्युंडई की कमाई में हिस्सेदार बन सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। आपको बता दें, ह्युंडई मोटर्स की भारतीय यूनिट ह्युंडई मोटर्स इंडिया का ये आईपीओ देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ साबित होगा, क्योंकि इसका साइज 27,870 करोड़ 16 लाख रुपए है, जो इसे देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC के आईपीओ से भी बड़ा बनाता है, जिसने 21,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लॉन्च किया था। बता दें, ह्युंडई के इस आईपीओ में 3 दिन पैसे लगाने का मौका मिलेगा और 17 अक्टूबर को ये क्लोज हो जाएगा। बता दें कि ह्युंडई मोटर्स इंडिया ने सेबी के पास जमा कराए गए ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट्स में पहले ही साफ कह दिया था कि ह्युंडई नए शेयर नहीं जारी करेगी। अब जो डिटेल सामने आई है उसके मुताबिक साउथ कोरियाई मूल की ऑटोमोबाइल कंपनी पूर्ण स्वामित्व वाली यूनिट में अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा सिर्फ ऑफर फॉर सेल के माध्यम से रिटेल और अन्य निवेशकों को बेचेगी। इसके जरिए ह्युंडई मोटर्स इंडिया 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले 14,21,94,700 शेयर बिक्री के लिए पेश करेगी। बता दें, ह्युंडई मोटर्स इंडिया के आईपीओ को इसके एंकर इन्वेस्टर्स का जबरदस्त रिस्पांस मिला है। आज शाम निवेशकों के लिए ओपन होने से पहले इस दक्षिण कोरियाई कंपनी के आईपीओ को सोमवार को एंकर निवेशकों के लिए ओपन किया गया था। कंपनी ने 225 एंकर निवेशकों से 8,315 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। इसके एंकर निवेशकों की लिस्ट में सिंगापुर सरकार, फिडेलिटी फंड, ब्लैक रॉक ग्लोबल फंड्स, जेपी मॉर्गन फंड्स, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और SBI लाइफ इंश्योरेंस जैसे नाम शामिल है। अब आपको बताते चले कि आखिर कैसे 13,720 रुपए लगाकर आप ह्युंडई मोटर्स इंडिया की कमाई में अपना हिस्सा पक्का कर सकते हैं। तो बता दें कि आईपीओ के लिए कंपनी ने 1,865-1,960 रुपए का प्राइस बैंड तय किया है। इसके अलावा इसका लॉट साइज 7 शेयरों का होगा, मतलब निवेशक इसमें कम शेयरों की बोली नहीं लगा पाएंगे। अब अपर प्राइस बैंड के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो कम से कम एक लॉट के लिए बोली लगाने के लिए निवेशकों को 13,720 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना ही होगा। वहीं अधिकतम 14 लॉट या 98 शेयरों के लिए बोली लगाई जा सकेगी और इसके लिए निवेशक को 1,92,080 रुपए लगाने होंगे। इसके बाद अगर आपका आईपीओ निकलता है तो फिर लिस्टिंग से ही कंपनी को होने वाले हर मुनाफे में आपका हिस्सा पक्का हो जाएगा।